स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.5 तो एक क्वेश्चन है आपका इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 -1 1 0 तो देन आप फाइंड s1 -5 + 6 राइट इज इक्वल टू नहीं अब वहां ये हो जाए काम हुआ तो वही करना तो इसके लिए आपको क्या करना है वो इवन मैट्रिक्स से आपको इवन कर दिया तो सबसे पहले आपको ए का स्क्वायर फाइंड करना Thank you.
second one after 9 minus 10 plus 2. Minus 2 minus 5 plus 6.
नेक्स्ट ध्यान रखो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स आपको गिवन किया उसका आप स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर मतलब एक आउट एक ये आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा क्या बोलते इसको यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपको मिला हुआ 2 × 2 मिले, 3 × 3 मिले, जो भी मैट्रिक्स आपको मिला दिस ऑर्डर का आप उसका स्क्वायर कीजिए आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। नहीं काम होता आपको जनरल मैट्रिक्स क्या होगा, आपको जो मैट्रिक्स मिला आप उसका ट्रांसपोज कीजिए पहले, उस ट्रांसपोज को फिर उस मैट्रिक्स से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो उसका मैं इंटरचेंज करके कर दूं जैसे ए लॉग ए एस रिस्पेक्ट टू ए एस यानी ए लेस मतलब ट्रांसपोज है, ए लॉग ट्रांसपोज मैट्रिक्स है रिस्पेक्ट टू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए लॉग मैट्रिक्स है रिस्पेक्ट टू आप मिलेगा क्या मिलेगा ये यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। तो ज्यादातर आपको ध्यान रखना ये आपको मैट्रिक्स और ये आपको मैट्रिक्स ये जो कुछ है आपका इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा।